तो आज छठ का पर्व है, जिस दिन हम शाम को जाते हैं घाट पर, तो सारी तैयारियां चल रही हैं। ये आप छठ का सामान देख सकते हैं, मम्मी ने सारा इंतज़ाम किया हुआ है पहले से ही, और ये बिल्कुल भगवान जी के मंदिर के नीचे ही रखा हुआ है। तो सब तैयारियां हो रही हैं। ये दो पापा जी लोग बैठे हुए हैं, सब फुर्सत में हैं। थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे हम लोग, 4:30 या 5 बजे तक। हेलो मम्मी जी, जय हो छठ मैया की। कब जाएंगी आप घाट पर? 4 बजे मम्मी जी 4 बजे जाएंगी, तैयारी चालू है। 2-2.5 घंटे अपने पास और है। मुझे गाड़ी में तेल भी लेने जाना है अभी पेट्रोल पंप, तो मैं भी 1 घंटे में निकलूँगा। ठीक है, बाय बाय। जा रही है घर में और मैं वॉशिंग मशीन चालू कर देता हूँ, आप देख सकते अभी हैं। हम 4, 4:30 बजे तक निकलेंगे और अभी टाइम है हमारे पास, तो हम रेडी वेडी होंगे, घर को भी साफ सुथरा कर लेते हैं एंड देन हम आपको घाट का सीन दिखाते हैं कि वहां पे कितनी भीड़ है क्या है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम छठ है विरार में, तो लेट्स सी। चीज़ें थी वो मैंने दिखा दी कि सारा सामान तैयार है, मम्मी रेडी हो रही है, सुमन घर को थोड़ा साफ सफाई करने जा रही है, क्योंकि अब संडे का दिन होता है तो हम थोड़ा देर तक आराम करते हैं। चालू है आकाश बैठा ना, वो दुनिया में देखिए कहाँ छठ की वजह से मैं कर दे रहा हूँ, तो मैं रोज झाड़ू पोछा बर्तन सब करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं अपने गाड़ी के पास, उसमें थोड़ा सामान पड़ा हुआ है घर का, वो निकाल के हम आएंगे, और गाड़ी में थोड़ा सा तेल भी लेना है। फटाफट मैं वो जाके तेल लेके आता हूँ, तब तक घर में सब रेडी हो जाएंगे, फटाफट सुमन भी आ जाएगी और रेडी हो जाएगी, तब तक मैं गाड़ी लेकर आ जाऊँगा। मम्मी रेडी हो चुकी हैं। कितना टाइम लगा आपको रेडी होने में मम्मी जी? आधा घंटा लगा। आधा घंटा झूठ है, 2.5 घंटा लगा है कम से कम, और सुमन जी को भी 3 घंटा हो गया, उनको भी लेते हैं वीडियो में थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हो? खड़ी बोली काय बोला तो आज के ऐसा नाटक चालू है ना बच्चों, तो नाटक चालू है। हाँ, कौन है? तो अभी हम सब घाट पे जाने वाले हैं, सब गाड़ी में धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं, कैसे कौन कितने लोग आ पाएंगे। लेट्स सी, प्रिशा महारानी अकेले बैठी है, सुमन आएगी यहाँ पे। हम घाट पर पहुंच चुके हैं, काफ़ी भीड़ है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, हमने गाड़ी यहाँ पर पार्क भी कर दी है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं मम्मी कहाँ बैठी हैं, क्योंकि मैं पार्किंग करने के लिए जगह ढूंढ रहा था, जो कि मिल गई, अच्छी जगह है। तो आप पीछे कैमरे से देख सकते हैं, बाइक ही बाइक है, काफ़ी सारे लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, और ये अंदर आप भीड़ देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा तालाब है, हमारे ग्लोबल सिटी के पास ही एक गाँव है जहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है छठ का, तो सुबह भी हमें यहीं पर। ये देख सकते हैं आप भीड़ छठ के आयोजन में, काफ़ी सारी भीड़ है, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, और धीरे धीरे पूरा भर जाएगा। ये यहाँ पे है, नीचे ना खोदे, यहाँ पे है मम्मी जी माटी खोदने जा रही हैं, बस ये माटी खोदते हुए ये पेड़ पौधा लगाएंगे। ये देखिए मिट्टी चुराते हुए, ये मिट्टी की चोरी है, पकड़ेगी सरकार। तो काफ़ी भीड़ हो रही है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये सुमन जी कैसे कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? कम दिस वे। तो ये हमारा पहला छठ है मुंबई में, जो मम्मी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और विरार में भी हमारा ये पहला ही छठ है, देख सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं चारों तरफ, ये छठी मैया बरत तोहार, करी हा क्षमा छठी मैया,
मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। अपोजिट बैठ गए हैं, काफ़ी धूप है, इधर छाँव थी इधर बैठना चाहिए था बट नहीं, जहाँ जगह मिली ठीक है। अभी मैं थोड़ा छाँव में आ गया हूँ भाई, थोड़ा सुकून है क्योंकि सूर्यास्त में 1.5 से 2 घंटा लगेगा। अभी हम थोड़ा पहले ही आ गए कि ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इसके लिए परिवार पीछा रही है। ये पीछा कूद ना जाए उसी में से, देखो पानी में जाने के लिए। ये देखिए अब जाके उसको शांति मिली है उस पानी में। वेद आओ बेटा आओ, अच्छा लग रहा है प्रिशा? अब अच्छा लग रहा है आपको? जाओ जाओ आगे तक प्रिशु।
तो देखो मछली काटेगी, देखो मछली सब निकल रही है। ना पानी में जाने के लिए जिद। रंगन जाएगी क्या नहाने? नहाने जाएगी क्या वहाँ पे? परेशान किया है प्रिशा, मजा आ गया। और रो, इसको पानी में जाके स्विमिंग करनी है, कूदना है। पापा को तो आता नहीं है तैरना, इनको तैरना है। तैरना है तुमको? मैं कूदेगा तैरना तेको तो कभी तैरना है क्या? प्रिशा क्या भैया, क्या स्विमिंग करना है इसको? रो रही थी, इतना परेशान कर रही थी, उसको पानी में काफ़ी अंदर तक जाना था जो कि मैं खुद नहीं जाता। तो अभी हम गाड़ी में आ चुके हैं प्रिशा को सुला के, सोचा सो जाए थोड़ी देर, उसके बाद फिर। तो गाइस जहाँ पे प्रिशा होती है तो हम सभी नज़ारों का लुत्फ नहीं उठा पाते हैं, सो हमने सोचते ही काफ़ी इंजॉय करेंगे, बट मैडम प्रिशा कुछ कह नहीं। तो फाइनली प्रिशा सो गई है, तो अब हमें थोड़ी सुकून की सांस मिलेगी। तो अभी सूर्य ढलने का समय हो गया है, तो अभी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे मम्मी के साथ। तो काफ़ी अच्छा था, बहुत मज़ा आया। फाइनली हार पे जीत प्राप्त हुई, प्रिशा सोई है। बाबा बाबा कर हाय करो, हाय 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 करो वेद। नमस्ते नमस्ते, हाय 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 हाय। कैसा लग रहा जाता? मजा आ रहा है। सूर्य ढल चुका है फाइनली, अभी हम थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे, फिर सुबह 4 बजे आना रहेगा।
सूरज भगवान डूब चुके हैं और चंदा मामा आ चुके हैं, वो देखिए आप। माता जी भी आ चुकी हैं। जाओ जाओ। 3:30 बज रहे हैं और हम मुड़ चुके हैं। मम्मी एंड सुमन रेडी हो रही हैं एंड हम 4 तक निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी भीड़ ना हो जाए तो टाइम से पहुँचना भी ज़रूरी है। तो आगे आगे देखते हैं, नहीं तो बहुत ज़रूर की आ रही है, बट आके थोड़ा सो लेंगे तो निकलते हैं। हैप्पी चैट। आप ये टाइम देख सकते हैं, मुझे उठे 10 मिनट हुआ है, तो मेरी नींद खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी, ऐसे ही चल रहा था। तो फाइनली मैं उठ चुका हूँ, तो निकलते हैं। माता जी रेडी हो चुकी हैं, बस मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँ फिर निकलते हैं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसा लग रहा जिंदगी में पहली बार इतने टाइम उठ के? पहली बार तो नहीं उठा है इतने टाइम में, मतलब कई सालों बाद इस टाइम उठ के। जाना है 6 बजे तक निकलेंगे। 6 बजे? हाँ, तो सूरज 6 बजे निकलेगा ना। 6 बजे तक निकलोगे यहाँ से? सूरज जी 6 बजे निकलेंगे, पर हमको पहले ही जाना पड़ेगा। डायलॉग याद नहीं किए थे सही, तुमने, तुमको लिख के दिया था मैंने सब। चलो बाय। जय हो छठ भैया की। जय हो छठ भैया की। फाइनली मैं नीचे आ चुका हूँ, गाड़ी लेके आता हूँ, और ये मैंने जो सबसे वजनी सामान था वो नीचे ले आया हूँ। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी लेकर आते हैं। यहाँ सुबह 3:30-4 बजे सबसे बड़ी दिक्कत बाहर निकलने की क्या है कि ग्लोबल सिटी में इतने सारे कुत्ते हैं, इतने ज़्यादा कुत्ते हैं भाई की हद है। एक बार मैं ऑलरेडी निकला था, मेरी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, मैं वापस भाग आया था, बट देखते हैं आज हट हट हु करके पहुँचते हैं गाड़ी तक। गाड़ी लेके आते हैं यहाँ पे, फिर मम्मी सुमन को लेते हैं, फिर निकलते हैं। फ़िलहाल अभी तो सन्नाटा है, कुत्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ी देर पहले भौंक रहे थे क्योंकि 2-4 ऑटो खड़ी हो चुकी है आके, तो शायद वो निकल लिए हैं। और हमारे सोसाइटी में थोड़ा पार्किंग का इशू है, इसके लिए गाड़ी मुझे बाहर रखनी पड़ रही है कुछ दिनों के लिए। तो गाड़ी लेते हैं फटफट से, सब बैठे हैं। साले ये भौंकने की आवाज़ है, ये कुत्ते की आवाज़ है। फ्रेंड्स ये भी हमारी गाड़ी, तो फटफट गाड़ी लेते हैं और घर पे चलते हैं। तो ये खड़ी है अपनी चीता, तो चीता से राइड लेंगे इतनी मॉर्निंग में पहली बार। तो मम्मी और सुमन नीचे आ रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं आएंगे, लिफ्ट से आएंगे, सो वेटिंग फॉर दैट। तो चलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली हम घाट पर पहुंच चुके हैं, मैं साउंड भी लेकर आया हूं, थोड़ा बजाएंगे एंड धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ चुके हैं, बाकी धीरे धीरे पहुंचते ही होंगे। तो चलते हैं वहां पर जहां पर कल हमने अपना लगाया था पूजा के लिए। वो वेरी गुड मॉर्निंग, आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं सुबह छठ पूजा के लिए एंड धीरे धीरे लोगों की भीड़ आ रही है। काफ़ी मज़ा आता है सुबह सुबह उठ के, बट कुछ कर नहीं सकते उसका, रोज नहीं उठ पाते हैं, काश ऐसे रोज उठना होता। हाय बोलो। हाय।
गुड मॉर्निंग प्रिशा, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ के अभी सो गई जाके ना। बोलो छठी मैया की जय। उनतालीस पे टाइम क्या 6:39 पे निकले गए। तो यहाँ पे दिवाली का माहौल, पटाखे जलाए जा रहे हैं, ये देखिए आप। फाइनली सूरज भगवान निकलने वाले हैं, मम्मी नीचे खड़ी है, तो नीचे चलते हैं, दूध लेके पहुँचते हैं। काफ़ी भीड़ है भाई, भाई नीचे घाट पर। लालिमा आ चुकी है सूरज की, सूरज थोड़ी देर में निकलने वाला है। Thank you.
बोलो छठी मैया की जय। सूरज आ गए हैं, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सूरज देवता निकल चुके हैं, बट क्योंकि पानी में जो व्रत जिन्होंने रखा है, जिन लेडीज ने व्रत रखा है, तो जब तक उनको सूरज नहीं दिख जाता अपनी आंखों से, तब तक वो पानी से बाहर नहीं निकल सकते। बाकी हमें और हम पीछे नहीं हट सकते, चालू ही नहीं था पहले। 24 घंटे बच्चों को लेकर घूमना है, जो मेरे किस्मत में लिखा हुआ है। दिख रहे हैं पूरे गोल गोल से ऑरेंज कलर के लालिमा भी है, बट ये ऊपर की तरफ नहीं आ रहे। जब तक ये ऊपर की तरफ नहीं आएंगे, सारी जो मम्मियां हैं, बहनें हैं, वो बाहर नहीं निकलेंगी, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा और हमें। कब तक सूरज भगवान ऊपर आते हैं देखते हैं, उनके आने के बाद पूरा पूजा संपन्न होगी और हम यहाँ से निकल पाएंगे।